हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ रामचंद्र, बीटेक फ्रॉम आईटी रुड़की। आज का अपना टॉपिक है मैट्रिक्स। देखिए, इसमें अपन एक बेसिक लेक्चर कर चुके हैं और अब जो देखने वाले हैं, तो यहाँ से देखो डायरेक्ट, पहले भी बोल चुका हूँ मैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है क्या? तो चलिए शुरू करते हैं अपन। तो इसमें है अपना पहला इक्वल मैट्रिक्स मतलब समान अवयव है। समान अवयव क्या होते हैं? तो समान अवयव क्या होता है? टू मैट्रिसेस मैट्रिसेस ए एंड बी आर कॉल्ड सेम इफ दे हैव सेम ऑर्डर एंड ऑल corresponding elements are same and all corresponding elements are same। तो देखो, two matrices A and B are called same if they have same order। पहली बात तो उनका order same होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी order का, तो दोनों का order same होना चाहिए। और corresponding elements कैसे होने चाहिए? same corresponding elements। तो हिंदी में लिखेंगे तो दो अवयव है ए तथा बी समान होंगे यदि यदि उनका क्रम समान हो तथा संगत अवयव समान हो। तो ये तो है डेफिनेशन। तो मतलब देखो, कुल मिला के दो अवयव है या दो मैट्रिक्स सेम कब होंगे? सेम या आइडेंटिकल। भाई यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स और अपन आइडेंटिकल भी लिख सकते हैं, आइडेंटिकल आइडेंटिकल। क्लियर है? आइडेंटिकल। तो दोनों सेम या आइडेंटिकल कब होंगे? तो जब उनके क्रम तो समान होने ही पड़ेंगे। भाई समान है तो क्रम तो समान होना ही पड़ेगा और उनके संगत अवयव भी समान होने पड़ेंगे, संगत अवयव भी समान होने पड़ेंगे। क्लियर है? तो देखो, दो तीन इस पे एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहला पहला यदि यदि जैसे मान लो ऐसे आ जाएगा कि एक्स वाई टू थ्री बराबर 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 5 3 और 2 3 है, तो एक्स वाई ज्ञात करें। तो देखो, इसमें क्या कर दिया है इस क्वेश्चन में कि ये बराबर ये है, ये वाला बराबर ये है, मतलब ये अवयव है और ये अवयव समान दे दिया क्या? बराबर दे दिया, मतलब ये दोनों बराबर कब होंगे? दोनों ये इक्वल कब होंगे? देखो, तो दोनों का क्रम समान होना जरूरी है। क्रम देखो, इसका दो क्रम दो क्रॉस दो है क्या? इसका ऑर्डर, इसका भी दो क्रॉस दो है क्या? इसमें देखो, दो पंक्तियां पहली दूसरी, दो ही कॉलम, दो ही स्तंभ, तो दो क्रॉस दो, ये भी दो क्रॉस दो, तो ये तो सेम। अब संगत अवयव क्या होते हैं? संगत या करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। देखो, ये इसके संगत, ये दो दो तीन है, ये वाला किसके संगत है? इसके। तो ये दोनों भी बराबर होने चाहिए और ये इसके बराबर होने चाहिए, मतलब जो ये एलिमेंट्स है, संगत एलिमेंट्स। पहला अवयव तो इसका पहला अवयव, इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव के बराबर होगा, मतलब एक्स का मान पांच। ऐसे ही ये दूसरा अवयव इसके दूसरे, वाई का मान तीन। क्लियर है? वाई का मान तीन, और देखो दो दो के बराबर, तीन तीन के बराबर, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे यदि एक्स की जगह पांच रख दें। यहाँ पे एक्स की जगह पांच रख दोगे तो यहाँ दोनों जगह पांच हो जाए, यहाँ वाई की जगह तीन रख दोगे तो एक्स का मान पांच वाई का मान तीन। क्लियर क्या? मतलब संगत अवयव, बहुत सिंपल सा चीज बोल रहे हैं क्या, कि यहाँ पे ये लिखा है पांच, तो यहाँ पे एक्स लिखा, तो ये भी क्या होना चाहिए था? पांच। और ये संगत मतलब ये इसके संगत है, ये इसके संगत है, ये इसके संगत है, ये इसके संगत है। क्लियर है क्या? बहुत सिंपल, मतलब इसमें दिया था वैसे और अंग्रेज है, हाँ, इफ देन फाइंड एक्स एंड वाई, ये इंग्लिश लो सर। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम, यहां पे क्या दे दिया? यहां पे इसने दे दिया, चलो थोड़ा अच्छा लिख लेता है दूसरा। तो इसने एक दो तीन चार पांच ये दे दिया, यहाँ पे 6 7 8 यहाँ पे एक ये दे दिया ना, बराबर बराबर क्या दे दिया? बराबर क्या दे दिया? 1 a + b 3
थ्री, वन ए प्लस बी थ्री, फोर फाइव, टू 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 दे दिया, इसको सिक्स सेवन एट दे दिया। तो अब बोले देन फाइंड ए प्लस, देन फाइंड ए एंड बी, ए एंड बी याद करो, तो ए एंड बी याद करो, है तो ए और बी याद करो, है तो ए व बी याद करो। मतलब क्या हुआ कि ये दोनों बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ए तथा बी याद करो, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। तो देखो संगत अवयव बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर है क्या, एक एक के बराबर है, ये दो इसके बराबर होना चाहिए, तीन तीन के बराबर, चार चार के बराबर, पांच पांच के बराबर, ये इसके बराबर होना चाहिए, ये छह इसके साथ है। तो कुल मिला के क्या हुआ, ये वाला अवयव इसका संगत अवयव कौन है, ये, तो ये दोनों कैसे होने चाहिए बताओ, बराबर होने चाहिए, तो बराबर होने चाहिए, तो मुझे बताओ क्या आया, ए प्लस बी, ए प्लस बी का मान कितना आ गया, दो आ गया, ए प्लस बी का मान दो, ऐसे ही ये इसके संगत कौन, ये, और ए का मान कितना आ गया, दो, तो ए का मान दो आ गया, बस ए का मान दो आ गया, ए प्लस बी का मान कितना है, दो, तो ए का मान तो दो आ गया। अब ए प्लस बी दो है, तो ए का मान यहां रख दो, तो दो प्लस बी बराबर दो, तो यहां से दो कट जाएगा, तो बी का मान जीरो आ जाएगा, तो ये आंसर है क्या। तो कुल मिला के संगत अवयव समान, इसके संगत ये, इसके संगत ये, क्लियर है क्या, इसके संगत ये, इसके संगत ये, हो जाएगा काम। चलो एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। तो अब देखो मैट्रिक्स की दोनों समान कब होंगे, जब संगत अवयव सेम होंगे। तो ऐसे कर ले, ए इंटू बी, दो तीन ए प्लस बी बराबर, अगर इसने दे दिया, अगर बराबर दे दिया इसने कि ए इंटू बी तो है आठ, ये तो दो, ये तो तीन, और ये छह है, तो ए एंड बी ज्ञात करें, ए एंड बी ज्ञात मतलब फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी, तो ये है, तो ए एंड बी फाइंड करना है। अगर ये बराबर ये, तो इसमें भी संगत अवयव बराबर होंगे, बोलो ये वाला इसके बराबर होगा क्या, तो ए गुणा बी कितना आ गया, ए गुणा बी आ गया आठ, और दूसरा ये दो दो के बराबर है, तीन तीन के बराबर है, और ए प्लस बी कितना होना चाहिए, ए प्लस बी होना चाहिए। तो ये दो समीकरण आ गए, बताओ इन दोनों समीकरणों को हल करके आप ए एंड बी का मान निकाल सकते हैं क्या, ए एंड बी का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो देखो यहां से निकाल लेते हैं, अब ये दो समीकरण है भाई, अब देखो इतना इतना वाली तो आता होगा कि प्रतिस्थापन विधि से एक को यहां पे रख दें, दूसरे का मान निकाल दें, या नहीं पता चल रहा तो आपके ऑप्शन भी दिए आ सकते हैं, कि क्वेश्चन में ऑप्शन हो तो चेक कर लेना, रख रख के चेक कर लेना, क्लियर है क्या। तो अब सॉल्व कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हो तो रख रख के चेक कर लेंगे ना किसमें आ रहा, और बाकी अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो ए गुणा बी कितना है, छ, नहीं ए गुणा बी आठ है, ए प्लस बी है छ, ए प्लस बी है छ, तो यहां से बी का मान यहां रख देते हैं, बी का मान क्या आएगा, छह माइनस ए, कैसे आया, इस ए को उधर ले गए छह माइनस ए, तो ये मान इसमें रख देते हैं, तो ए गुणा बी का मान छह माइनस ए बराबर आठ, तो ये आएगा छ ए माइनस ए स्क्वायर बराबर आठ, सबको उधर ले चलो, तो ए स्क्वायर माइनस का छ ए प्लस का आठ, तो ये एक द्विघात समीकरण है जिसका सूत्र भी आता है, अपने को द्विघात समीकरण को हल करने का सूत्र याद है क्या, याद है क्या, सबको याद है क्या, सर नहीं याद, गुणनखंड करने आते हैं क्या, सर वो भी आते हैं, अरे सर द्विघात वाला याद ही है, द्विघात वाला याद ही है, क्या बात कर रही हो, ये द्विघात समीकरण है, इसको सॉल्व करना है अपने को, तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है, तो सूत्र, सूत्र क्या होता है द्विघात समीकरण, वैसे देखो ये द्विघात समीकरण है, इसको सॉल्व करना होता है, पहले मैं यहाँ पे सूत्र लिख देता हूँ, सूत्र क्या होता है द्विघात समीकरण को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये समीकरण है तो इसके सरल करने पे क्या आता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये आता है सर, ये द्विघात समीकरण होता है, ये सूत्र होता है सर, ठीक है, तो बताओ सूत्र लगा दो, यहां देखो x में द्विघात होता है, मतलब यहाँ a ए स्क्वायर है, यहाँ x एक्स स्क्वायर, तो ये x में द्विघात है, ये a में द्विघात है, तो a के मान आएंगे, a का मान बताओ क्या आएगा, b, अब b कौन होता है, x का गुणांक, तो यहाँ b कौन है, a का गुणांक, तो ये माइनस का छह है, तो माइनस और माइनस का छह प्लस माइनस अनुरूप बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना छह का स्क्वायर, माइनस चार गुणा ए इंटू सी, सी का मान कितना आठ बट्टा दो गुणा, तो ए का मान क्या आ गया, देखो छह प्लस माइनस छत्तीस माइनस बत्तीस, तो चार बट्टा दो,
तो रूट चार का मान कितना होता है भाई, 6 ± 2, रूट चार का मान 2/2। तो एक बार तो प्लस लो, एक बार तो प्लस लो, प्लस लोगे तो क्या देगा बताओ, प्लस लेंगे तो 6 + 2 = 8/2, 8/2 कितना 4, और एक बार माइनस लेंगे तो कितना देगा, माइनस लेंगे तो 6 - 2 = 4, 4/2 तो 2 आ जाएगा। तो एक का मान 4 आ सकता है, एक का मान 2 आ सकता है। एक का मान 4 है तो इसमें डाल दो, एक का मान 4 इसमें डाल दो, तो b का मान कितना देगा, देखो b यहां से निकाल सकते हैं अपने पास, यहां से आगे क्या b का मान 6 - 1, तो b का मान क्या आएगा 6 - 4 बराबर यहां पे कितना देगा, b का मान 2 आ जाएगा ये वाला। तो एक का मान 4 है तो b का मान कितना देगा 2, ऐसे ही एक का मान कितना है 2 है, तो यहां पे डाल दो b बराबर 6 - 2 बराबर कितना आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा। तो या तो ये कि एक का मान 4 b का मान 2, या फिर एक का मान 2 b का मान 4, क्लियर है क्या, ये दो आंसर। तो यहाँ पे छोटा सा चीज यूज हो गया क्या, द्विघात समीकरण का सूत्र, जो कि आता है क्या, ये तो भाई 9th class वाला, ये ना सर ये तो आता है, बिल्कुल आता है क्या, तो कोई बात नहीं। और या फिर आपके ऑप्शन में ऐसे दिए होते हैं तो आप उसको क्या कर लेते, चेक कर लेते कि कौन सा इसको संतुष्ट कर रहा है। तो ये बात तो छोटी छोटी बातें हैं क्या। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पे द्विघात समीकरण को सोल्व करा है, बस सीधा सीधा मान रखा है, ये ए में द्विघात समीकरण थी इसलिए एक पे मान आ रहे हैं। सर और कैसे कर सकते थे, तो इसके गुणनखंड, इसको दो भागों में तोड़ के याद आया, माइनस का चार है माइनस का दो ये तोड़ो फिर गुणनखंड हो जाएंगे, माइनस का चार है और माइनस का दो है, फिर करके भी आप कर सकते हो। तो अब एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और ये तो हर साल एक छोटा सा चीज सुनाता है जो एक या दो नंबर आपको देके जाता है, क्लियर है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसको अपन हिंदी बोलेंगे परिवर्त आव्यूह। इसमें क्या होते हैं कि देखो, इसमें स्तंभ तथा पंक्तियों को बदला जाता है, रो तथा कॉलम को बदल दिया जाता है, रो तथा इसे सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदलकर प्राप्त करते हैं, इसे एटी या एडेस से दर्शाते हैं, It is obtained by interchanging rows and columns, clear हो गया, रो और कॉलम को चेंज करके, it is represented by 80 और 80 days। तो क्या कहना चाहते हैं वो ध्यान से सुनो, पहला एग्जाम्पल कि सर अगर A है PQRS, अगर ए पी क्यू आर एस है तो AT क्या होगा या ADS क्या होगा बताइए। अगर ए पी क्यू आर एस है तो ये देखो, ये पंक्ति था और ये भी पंक्ति था, इस पंक्ति को स्तंभ बना दो, मतलब इस रो को कॉलम बना दो पी क्यू, देखो ये इधर लिखे हुए थे पी और क्यू लिखे हुए थे, तो इस पी क्यू को आप तो ऐसे लिख दो, पी क्यू ऐसे लिखा होता है ऐसे लिख दो, और ये आर एस ऐसे था इसको ऐसे लिख दो, आगे समझ। देखो ये जो ये रो था इसको कॉलम बना दो, ये रो था इसको ये कॉलम बना दो, खत्म, क्लियर है क्या, ये वाला रो ये वाला कॉलम। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो कॉलम था, ये देखो रो बन गया, ये कॉलम था ये रो बन गया, देखो पी आर था इधर पी आर हो गया, इधर क्यू एस था इधर क्यू एस हो गया, मतलब रो और कॉलम आपस में बदल जाते हैं, मतलब जो पंक्तियां थी वो स्तंभ बन जाते हैं, जो स्तंभ थे वो पंक्तियां बन जाती हैं, क्लियर है क्या। तो अपन तो ऐसा सीधा सा फंडा रखेंगे क्या कि पी क्यू था इसको इधर पी क्यू बना दो, ये आर एस था इधर आर एस बना दो, क्लियर है क्या। अब जैसे मान लो सर ये तो पहली बार आ गया, दूसरी बार क्या आएगा, सर यार चलो पर क्वेश्चन देखो, ए बी माइनस ए माइनस बी दे देंगे, तो क्या करोगे भाई, एक ही पावटी क्या आएगा बोलो। तो सर ये ए बी था इसको जैसे ये माइनस का ये भी था इसको माइनस,
सर ये तो बहुत सिंपल है भाई, सर ये तो बहुत सिंपल है। तो देखो ध्यान से, अगर आप ए आपको ऐसा दे दिया जाए, 1 2 3, एक और दे दो कुछ भी लिख लो, 3 और 2 4, चलो माइनस का 2 4 और 6 ऐसे दे दिए, तो ए की पावर टी क्या होगा, तो ए की पावर टी क्या होगा, तो ए की पावर टी क्या होगा, बताओ क्या करोगे। ये वाला पहला रो था क्या, ये वाला पहला रो, तो इसको ऐसे लिख देंगे 1 2 3। ये वाला दूसरा था तो माइनस का 2 4 6। और देखो ये बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली है, इसका ऑर्डर क्या था, कोई पूछे इसका ऑर्डर क्या था, तो देखो 1 और 1 दो पंक्तियां थी क्या, और अब इस दो तो पंक्तियां, देखो 1 और 1 2, दो रोज है क्या भाई, एक ये वाली रो एक ये वाली रो, कितने स्तंभ है, कॉलम कितने, 1 2 3, तो 3 कॉलम 2 क्रॉस 3, इसका क्रम क्या था 2 क्रॉस 3, तो इसका क्रम क्या है 1 2 3, 3 पंक्तियां इसमें और कॉलम 1 और 2। तो देखो ये चीज बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से चेंज हुई, कि यहाँ पे दो पंक्तियां थी तो पंक्तियों को अपन ने स्तंभ बना दिया, तो इसमें 2 स्तंभ, और इसमें 3 कॉलम थे 1 2 3, तो इसमें 3 पंक्तियां, क्लियर है। तो कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में, तो कुछ भी नहीं करना, क्या कि ऐसे पी क्यू लिखा है इसको ऐसे लिख दो, ऐसे आर एस लिखा है इसको ऐसे आर एस, इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं या परिवर्त अवयव बोलते हैं, बहुत ही सिंपल से आराम से समझ सकते हैं कि सर अगली साल क्वेश्चन क्या आएगा। हाँ तो अगली साल ही आ जाएगा भाई, अगली साल क्या आएगा कि इफ ए बराबर क्या है, ए बराबर है मान लो सर 1 2 3 4, तो तुम मुझे क्या निकाल के दो, ए की टी की पावर टी निकाल के दो। हाँ अरे ये तो थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था भाई, आपकी मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ए की पावर टी उसका फिर से टी, उसका फिर से टी मतलब दो बार निकालना है क्या, तो एटी निकालेंगे तो कैसे आएगा, यहां से एटी एटी बदल दो, इसको इसको ऐसे कर दो 1 2 और इसको कर दो 3 4, ये एटी आ गया। एक बार फिर से इसका टी, एक का पावर टी का पावर टी, तो वो क्या आएगा, फिर से इसको बदल दो, फिर से इसको बदल दो, तो ये 1 3 था इसको 1 3 लिख दो, इधर ये 2 4 था इसको 2 4 लिख दो। और बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये वही आ गया क्या, देखो तो ये ए आ गया क्या, वैसे एक ही पावर टी उसका फिर से टी, मतलब दो बार बदल दोगे तो वो खुद ही आ जाएगा ना भाई। अरे सर कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, ये था तो 80 समझ आया क्या, कि ये 1 2 था तो इसको 1 2 लिख दिया, ये 3 4 था इसको ऐसे लिख दिया, फिर एक बार और टी, तो ये 1 3 था तो इसको 1 3 लिख दिया, ये 2 4 था इसको 2 4 लिख दिया, और बाकी देखो जो आया है वो यही आ गया, आया है जो ये, तो 80 80 क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्लियर है। सर सर अगली बार क्या आएगा, तो अगली बार क्या जाएगा भाई, ऐसे दे देगा अगली बार क्या, कि ये निकाल के दे दो 1 2 3 4 5 6, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं 7 9 8, इसका ऐसे लिख के दे दिया, ऐसे लिख के दे दिया, या फिर तो इसका ऐसे लिख के दे दिया, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, इसका टी यहां लिख के देने का मतलब ट्रांसपोज ही निकालना चाहता है, ट्रांसपोज ही निकालना चाहता है, तो बताओ क्या करोगे, ये जो ऐसे लिखा था 1 2 3, इसको क्या लिख दोगे 1 2 3 ऐसे लिख दोगे, ये 4 5 6 तो 4 5 6, ये जो था 7 9 8 तो 7 9 8, क्लियर हो गया, तो ये आंसर हो गया, कर सकते हैं। अब भाई इतना तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको ए डेज से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए डेज से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए डेज मतलब जैसे मान लो ए मैंने दिया कि 1 2 1 2 -2 -1 है, तो बताओ ए डेज क्या होगा, एडेस क्या होगा, एडेस क्या होगा, तो वही बात है, एडेस सेम ही चीज है, ये 1 2 था तो इधर 1 2 लिख दो, ये माइनस का 2 1 तो ये माइनस का, तो ये समझ में आता है क्या। अरे सर आता है तो ये 1 नंबर दे सकता है आपको या 2 नंबर, अरे बहुत ज्यादा होते हैं वो, ऐसे छोटे छोटे नंबर छोड़ने के थोड़े ना होते हैं, तो आ जाएंगे अब लोग और 2 4 मिनट लगेंगे बस, एटी या एडेस या ट्रांसपोज आ गए, क्या होता है कि बदल दो, ऐसे दिख रहा है तो उसको ऐसे लिख दो, ऐसे लिख रहा है ऐसे लिख दो, बस क्लियर है क्या। हाँ सर बिल्कुल, तो हो गया काम, देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर से बनाना, तो अवयव का अधिस संख्या से गुणा, अधिस संख्या से गुणा,
तो मतलब आव्यूह को गुणा करना है किसी एक संख्या से, आव्यूह को एक संख्या से गुणा करना, क्लियर है क्या? जैसे अपना एक मैट्रिक्स था उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें क्या होता है सभी अव्ययों को, अव्ययों को उस संख्या से गुणा करें, उस संख्या से गुणा करें, गुणा करें। तो इसमें क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स विद द नंबर, विद द नंबर। तो ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ? तो इसमें क्या बोलना चाहते हैं या क्या बोलना चाहते हैं? जैसे ए दिया हो अपने को, क्या जैसे ए दिया हो अपने को 1 2 3 4। अब मुझे कोई पूछा 2a कि 2a का वैल्यू बताओ, तो 2a क्या आएगा, 2a क्या आएगा, 2a क्या आएगा कि इसके, इसको 2 से गुणा करना है। तो किसको 2 से गुणा करना है, इसको। तो इसको 2 से गुणा करने का मतलब इसके सभी अवयव 2 से गुणा करने पड़ेंगे, इसको इसके सभी अवयव। तो पहला अवयव 2 से गुणा करो 2 हो गया, दूसरे अवयव को 2 से गुणा करो 4 हो गया, तीसरे को 2 से गुणा करो 6 हो गया, चौथे को 8। तो ये बात क्लियर हो गया। अगर किसी अवयव को किसी संख्या से गुणा करना है, किसी अवयव को मतलब मैट्रिक्स को किसी संख्या से गुणा करना है, तो उसके सभी अवयवों को अपन उस संख्या से गुणा कर देंगे। ये बात क्लियर हो गया, उसके सभी अवयवों को उस संख्या से गुणा कर देंगे। जैसे जैसे मान लो अब मुझे ये तो निकालना है, जैसे 2 times ये निकालना हो 1 4 2 5 ये निकालना हो, तो क्या करोगे, इसको ये निकालना हो, मान लो ये पूछा हो, तो क्या करोगे, इसको सबको 2 से गुणा कर दो, तो 2 8 4 और 10, तो ये आ जाएगा इसका। अब मान लो मेरे को ये ए दिया हुआ था, तो यहाँ पे के ए निकालना है, के टाइम्स ए निकालना है, तो बोलो क्या आएगा, के ए भाई ये तो ए था और के ए निकालना है, के ए निकालना है, तो बताओ कैसे निकालोगे, के ए निकालना, तो इसको के से गुणा कर दो, मतलब इस ए को के से गुणा करना है, तो मतलब सभी अवयवों को के से गुणा, तो ये हो जाएगा 1 गुणा k, 2k, ये 3k और ये 4k। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया थोड़ा थोड़ा। तो मतलब अगर किसी भी अवयव को किसी संख्या से गुणा करना है तो उसके सभी अवयवों को गुणा कर देंगे, सभी अवयवों को गुणा कर देंगे। जैसे जैसे अगर अपन बात करें कि सर ए का मान है, अगर चलो इसको बी नाम दे देते हैं, इस बार ए खत्म हो गया, तो 1 -2 -3 और 4, तो बोलो इसके लिए 3b क्या होगा, 3b क्या होगा, 3b, तो इसके सभी अवयवों को 3 से गुणा कर देंगे। 3b का मतलब इसके सभी अवयवों को 3 से गुणा कर देंगे, तो करो पहले को 3 से, तो 3 ये माइनस का 6, ये माइनस का 9 और ये माइनस का 9 और ये 8, ये आ गया। तो 3b मतलब ये आ गया, 3b मतलब ये आ गया, समझ में आ गया। तो b तो ये 3b। तो ऐसा अपने को आगे वाले टॉपिक में इसका जरूरत पड़ेगा, तो बस छोटा सा चीज है, देख लो, छोटा सा चीज है, देख लो। और अगर अपन उल्टा देखना चाहें, उल्टा देखना चाहें, तो अगर इसमें से अपन 2 कॉमन लें, इसमें से 2 कॉमन लेना चाहें, तो क्या करना ही पड़ेगा, सबसे 2 कॉमन आएगा, तो इसमें से भी 2 कॉमन, इसमें से 2 कॉमन, इसमें से 2 कॉमन, इसमें से 2 कॉमन। जैसे देखो इसको वापस लिखना हो, देखो 2 4 6 8, तो इसमें से 2 कॉमन है क्या सब में, तो 2 कॉमन लेना चाहें तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 3 4, क्लियर है। तो 2 कॉमन लेने का मतलब सब में से कॉमन आएगा। अगर कुछ गुणा करना है तो सब में गुणा करना पड़ेगा, अगर कुछ कॉमन लेना है तो सबसे कॉमन लेना पड़ेगा। तो अवयव को अगर एक संख्या से गुणा करना है तो उसके सभी अवयवों को संख्या से गुणा करना पड़ेगा। और ये बात सारणिक में क्या होता है, सारणिक में अगर गुणा करना है तो उसके एक पंक्ति या एक अवयव के, एक ही पंक्ति या एक ही स्तंभ के अवयवों को उस संख्या से गुणा करना पड़ता है। तो सारणिक में ये चीज अलग है, पर मैट्रिक्स में ये चीज क्या है, मैट्रिक्स में ये चीज ऐसे है, डिटरमिनेंट में ये चीज थोड़ा सा अलग होती है, क्लियर है। तो डिटरमिनेंट में ये अलग होती है, बस इसमें मैट्रिक्स में देखो अगर किसी संख्या से गुणा करना है तो सभी अवयवों को गुणा कर देंगे उस संख्या से। तो 2a 3b ये निकालना सीख जाओ, कम आएगा, क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।